पंचायती राज के चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने अपनी मांगों को लेकर एक पत्रकार वार्ता की, जिसमें ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के सभी जनप्रतिनिधियों का वेतन, मान और दूसरी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग की है। प्रेस वार्ता में जनपद अध्यक्ष विकास तिवारी ने ग्राम पंचायत स्तरीय पंच को 3,000, उप सरपंच को 5,500 और सरपंच को 20,000 रुपये वेतन देने की मांग की है। वहीं उन्होंने अपनी जनपद पंचायत में विकास के लिए विकास निधि बढ़ाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार सरपंचों को महासम्मेलन में बुलाकर 4200 मानदेय का लॉलीपॉप देकर पंचों का अपमान किया है। वहीं उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सभी जनप्रतिनिधि एकजुट होकर उग्र आंदोलन करेंगे। ये तो हमारा उद्देश्य है सरकार तक अपनी बात पहुँचाने का। पहले से नकारात्मक दिशा से मैं नहीं सोचना चाहता। हो सकता है सरकार अगर हमारी बात पहुंचती है तो सरकार हमारी भावनाओं की कदर करके हमारी मांगे मान लेती है, तो हम सरकार को धन्यवाद देंगे और मेरे जन अधिकार पंचायत राज की बात सरकार तक पहुंचे। अगर वो मांग हमारी नहीं मानी जाती तो हम नेक्स्ट स्टेप अपने पंचायत राज के सारे पदाधिकारियों के साथ बैठकर कोई ना कोई डिसीजन लेने का काम करेंगे।